सुखबीर सिंह बादल की अगवाई के गवर्नर नू मिलिया अकाली दल का वफद। सुल्तानपुर लोधी के गुरु घर के हुई फायरिंग की जांच सीबीआई तो कराने की मांग। क्या अपने साथी को कब्जा दवाने लिए सीएम ने गुरु घर अंदर भेजी फोर्स। पंजाब सरकार ने 11 रुपए बढ़ाया गन्ने का रेट। सीएम बोले सूबे दे विच पूरे देश के नालों वध गन्ने का रेट 391 रुपए होया। कल तो नवे रेट मुताबिक चलन गया मिला। गन्ने का रेट 11 रुपए बढ़ाने के बावजूद किसान नाराज। बोले सीएम ने पूरा नहीं किया अपना वादा। 14 रुपए तो वध का इजाफा करने का किया ऐलान। थोड़ी देर दे विच मुकेरिया च हाईवे जाम करनगे किसान। पंजाब च बीएसएफ का अधिकार खेतर 50 किलोमीटर करने के मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट च हुई सुनवाई। पंजाब सरकार ने सोलिसिटर जनरल नाल मीटिंग करने के आदेश। कोर्ट ने कहा केंद्र के नोटिफिकेशन के विच पंजाब पुलिस की जांच की कोई शक्ति नहीं खोई गई। गिप्पी गरेवाल से सलमान खान को स्पेन तो मिली सी धमकी। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर फेसबुक से पाई गई सी पोस्ट। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम तो मिली सी धमकी। फिलहाल अजे तक FIR दर्ज नहीं। खबर का असर रिपोर्ट जेल तो सोशल मीडिया से वीडियो अपलोड करने वाले गैंगस्टरों तो मिले 3 मोबाइल फोन। राहुल दाणा और आकाश के खिलाफ केस दर्ज। लुधियाना कोर्ट ने 6 साल पुराने कतल मामले के 15 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। देर रात कड़ी सुरक्षा के दोषियों का होया मेडिकल। 2017 के बदमाशों ने फैक्ट्री मालक गुरपाल सिंह का किया कतल। फिरोजपुर भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नेड़े पाकिस्तानी ड्रोन बरामद। सरहदी पिंड राणा पंजग्राही के खेतों के हुई बरामदगी। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 किलो तो ज्यादा हैरोइन रिकवर। हिमाचल के उच्चिया पहाड़ों तो शुरू होया बर्फबारी का दौर। मनाली से अटल टनल रोहतांग पै रही है बर्फ। सैलानी स्नोफॉल का माण रहे आनंद। सत श्री अकाल न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे हो तुसी। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधु। तां शुरुआत करदे आं बुलेटिन दी। सब तो पहला एक वड्डी खबर तो गवर्नर नूं मिलिया है श्रोमणी अकाली दल दा वफद। सुखबीर सिंह बादल दी अगवाई दे हेठ 10 की मुलाकात हुई है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित नूं मंग पत्र सौंपिया गया है। तां दस दईए कि सुल्तानपुर लोधी दे गुरु घर दे विच हुई फायरिंग दी जांच सीबीआई तों कराउण दी मंग कीती गई है। सुखबीर सिंह बादल ने फायरिंग मामले से पंजाब सरकार को घेरिया है। इस सरकार वेले पुलिस गुरुद्वारे दे विच दाखल हुई। उन्होंने कहा है सीएम ने पुलिस को गुरुद्वारे च दाखल होने के आदेश दिए सन। अपने साथी के लिए गुरुद्वारे को खाली कराया गया है। सुखबीर बादल ने भी इल्जाम लाए ने। जिस SSP ने हमला किया उसे की अगवाई के SIT बनाई गई है। इस हमले की जांच CBI तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा संबंधित अधिकारियों अफसर से कार्रवाई हो। सुखबीर बादल ने यह भी कहा है। जिक्र योग है कि इस मामले से SSP का बयान आ चुकया है। उन्हों का यह कहना है कि गुरुद्वारे दे विच पुलिस दाखल नहीं हुई। जुत्तियां पाके तो सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। उन्होंने कहा बिल्कुल गुरुद्वारे बिल्कुल नाल लगता एक किस्म का डेरा असी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि उत्थे जरूर उन्होंने अपना जिहड़ा मोर्चा है वह रखिया होया सी और जदों अंदरों गोलियां चलिया ने इस तों बाद जवाबी फायरिंग की गई है। यह SSP का बयान आया है। पर दूसरे पास सुखबीर बादल की अगवाई दे विच श्रोमणी अकाली दल का वफद गवर्नर के नाल मुलाकात के लिए पहुंचा। तस्वीरां सुखबीर बादल नजर आ रहे ने। दलजीत चीमा नजर आ रहे ने। प्रेम सिंह चंदूमाजरा श्रोमणी अकाली दल के आगू सीनियर आगू बलविंदर सिंह भुंदड़ नजर आ रहे ने। और मुलाकात हुई है गवर्नर के नाल। गवर्नर के नाल मुलाकात हुई है। मांग पत्र सौंपिया गया है। उन्होंने कहा है कि CBI तो जांच होनी चाहिए है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस की अगवाई के सारा ऑपरेशन होया उसे ही अगवाई के SIT जी बना दी गई है। इस किस्म के इल्जाम भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि CBI तो जांच इस सारे मामले की होनी चाहिए। तो जिक्र योग है कि 2 निहंग सिंह जथेबंदियों के विचाले अकाल बुंगा साहिब गुरुद्वारा जो सुल्तानपुर लोधी के बिल्कुल बेर साहब के नाल मौजूद है तो उत्थे विवाद से उस जमीन को लैके अजे तक विवाद असं कह सकते कि चल रहा है। पर उस मौके पर 2 दिन पहला जिस तरीके के नाल एक धड़े के वलों दूजे धड़े के निहंग सिंह को बंदी बनाया गया जो सारा कुछ वाकया SSP ने न्यूज 18 के पंजाब के नाल गलबात करते हुए दसिया। उन्होंने इस दसिया कि किमें 2 दिन पहला 21 तरीक का वो सारा वाकया है कि नवंबर का जदों उत्थे बंदी बनाया गया सी 2 निहंगा नूं। फिर उस तो बाद पुलिस उत्थे छुड़वाण गई है। उस मौके पर भी कहा गया सी कि किसी किस्म का कोई हिंसक इस तरीके का प्रदर्शन ना होवे ना ही अजिहा कुछ किया जाए। पर जदों गल बिल्कुल इतों तक आ चुकी सी कि आखिरकार सारा विवाद इतों तक पहुंचा कि निहंग सिंह
ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਡੀਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ SSP ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CBI ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਖਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੁੱਦੇ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਹਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠਾ ਔਰ ਸਭੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ BSF ਕਾ ਵੋ ਗਲਤ ਹੈ ਕਹੀਂ ਇਸਕੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਫਿਰ ਇਸ ਪਰ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਈ ਹੈ ਵੋ ਬੇਹਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ आज देखिए साफ तौर से केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया BSF के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने को लेकर उसमें पंजाब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी गई कि पंजाब सरकार का जो राज्य है यानी कि पंजाब जो राज्य है वो छोटा राज्य है और ऐसे में BSF के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने से कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा और ऐसे में केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें राज्य सरकार की सहमति के बिना इस प्रकार का फैसला नीतिगत रूप से सही नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की दलीलों को सुना लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में जो सॉलिसिटर जनरल हैं जो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके साथ बैठकर इस पूरे विवाद को लेकर एक सुरक्षित रणनीति बनाई जाए लेकिन इस पर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कई राज्यों में जो है वो BSF के कार्यक्षेत्र और समय सीमा को बढ़ाया गया है लिहाजा इस पूरे प्रकरण को लार्जर इशू पे और सुरक्षा के मद्देनजर देखा जाना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा है कि वो अभी इस पूरे प्रकरण को लेकर कोई भी अंतरिम आदेश जारी नहीं करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक सलाह जरूर दी है पंजाब सरकार के वकील को और केंद्र सरकार के वकील को कि वो आपस में बैठकर इस पूरी समस्या को लेकर एक बार मीटिंग करें और उसके बाद तय करें। अगर कोई बात नहीं बनती है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को एग्जामिन करेगा लेकिन अभी पंजाब सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया है कोर्ट में कि जिस तरह फैसला लिया गया है वो फैसला एक तरफा है और अगर BSF के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की सुरक्षा जो सुरक्षा आंतरिक तौर पर है उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा लगाम लग सकता है लिहाजा इस पूरे प्रकरण को लार्जर एस्पेक्ट पर देखा जा सकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बार मौका दिया है कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के वकील आपस में बैठकर इस पूरे मामले को देखें जिसमें अटॉर्नी जनरल भी शामिल किए जाएंगे और उसके बाद अगर इस समस्या का हल कुछ नहीं होता है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो यह बड़ा मुद्दा उठा और जो ये दायरा BSF का बताया गया था इसको लेकर इतराज जाहिर किया गया सी और यह भी किया गया सी कि इससे पंजाब पुलिस की जी समर्था है उसको लेकर कितने ना कि शंका जाहिर होती है इस फैसले तो बाद जिस तो बाद बेहद अहम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के वालों की गई।
उधर कल तो पंजाब दे विच शुगर मिलां चलन गियां। सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया है कल तो सहकारी अते निजी शुगर मिलां चलन गियां। सीएम भगवंत मान ने ऐलान कर दिता है गन्ने के नवे रेट के मुताबिक ही शुगर मिलां चलन गियां। दस एक ट्वीट करके सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कल मिति 2 दसंबर को पंजाब दीआं सारीआं सहकारी ते निजी शुगर मिलां नवे रेट के मुताबिक चलन गियां। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 500 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ रेट के मुताबिक देश का सब तो वध रेट है जो पंजाब दे विच गन्ने दा कीता गया है। दस दस दिए कि जिहड़ियां कल तो शुगर मिलां जिहड़ियां ने ओह चलन गियां। कल मिति 2 दसंबर नूं सीएम ने ट्वीट किया है, लिखिया है कि कल मिति 2 दसंबर नूं पंजाब दीआं सारीआं सहकारी ते निजी शुगर मिलां नवे रेट के मुताबिक चल पैणगियां। इह ट्वीट किया गया है सीएम भगवंत मान दे वल्लों। तां इस ट्वीट दे विच साफ तौर ते जानकारी दित्ती गई है कि कल तो ही शुगर मिलां चलन गियां और जो नवा रेट 391 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब किया गया है उस दे मुताबिक ही किसानों रेट दिता जाएगा। तो वड्डी खबर है, पंकज कपाई ने मेरे सहयोगी फोन लाइन से। पंकज, जो वादा किया गया से कह सकते हैं उसके मुताबिक सरकार ने ऐलान कर दिता है? निश्चित तौर से, क्योंकि सरकार दे वल्लों नोटिफिकेशन जिहड़ा जारी कर दिता गया शुगर मिल नूं लैके। लगातार किसान कह रहे थे कि नवे रेट तो बाद ही गन्ना जिहड़ा वा शुगर मिल ते पहुंचेगा और हुण मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों इस बाबत जानकारी दित्ती गई है कि नवे रेटां दे मुताबक शुगर मिल जिहड़ा वा उत्थे गन्ना पहुंचेगा, उत्थे उस हिसाब दे नाल वेख सकेगा। क्योंकि 11 रुपए रेट अज गन्ने दा जिहड़ा मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਾਂ ਹੋਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਾਂ ਹੋਣ ਇਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी ली। तो कल तो शुगर मिला चलन गियां और ट्वीट करके सीएम भगवंत मान ने जानकारी दी है।